देश में जब भी कोई त्योहार या पर्व आता है तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए महीनों पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यही हाल दीपावली पर्व को लेकर रहता है। इन मेलों में एक ओर स्वरोजगार से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, वहीं विकलांग व दृष्टिहीन व्यक्तियों को मुफ्त में स्टॉल देकर आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया जाता है। हमने कुछ यहाँ पर जो दूसरी संस्थाएं हैं, जो विकलांग है या और दूसरी चीजें हैं, उनको हमने यहाँ फ्री स्टॉल उपलब्ध किए हैं। जो वो अपने मोमबत्ती बनाते हैं या दीवे बनाते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं, उनको एक सुनहरा अवसर होता है, वो अपना लोगों के सामान एग्जीबिट करते हैं। हस्तनिर्मित उत्पादों की मेले में स्टॉल लगाने वाले कारीगर भी यहाँ हो रही जमकर बिक्री से काफी खुश नजर आ रहे हैं। बेसिकली हम लोग पहले वुड की कटिंग लेते हैं, फिर पेपर मैचे का काम करते हैं, देन कलरिंग एंड स्टोनिंग। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज, बट अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट अच्छा बनता है तो एवरीबॉडी लाइक्स। धार्मिक परंपरा से जुड़े ये अनूठे दिवाली मेले अपनी लोकप्रियता के चलते न केवल स्नेह मिलन और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक बनते जा रहे हैं, बल्कि परंपरागत कारीगरों को हस्तनिर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम भी कर रहे हैं। दीपावली पर दिए जलाने और सजावट की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन मशीनी युग के चलते अभी इनकी जगह कृत्रिम दिए, मोमबत्तियां और विद्युत लाइटों ने ले ली है। यही वजह है कि महंगाई के इस दौर में उपभोक्ताओं की बदलती अभिरुचि ने न केवल दिवाली फेस्टिवल के मायने बदल दिए हैं, बल्कि परंपरागत कामगारों के साथ साथ तकनीकी और हुनरमंद कामगारों के लिए रोजगार के अवसर भी काफी बढ़ा दिए हैं। ओपी यादव, DD News, दिल्ली।